तो दोस्तों इनकम टैक्स का जो नया प्रोविजन है 194Q टीडीएस ऑन परचेज वाला, अब फाइनली उसका जो सर्कुलर है वो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है। और अब हमें जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है वो हमें जो 194Q में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी को फॉलो करते हुए हमारी बुक्स को अब रेडी करना है, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो बन रहे थे मतलब यूट्यूब के ऊपर तो वो सारे एज ए प्रोजेक्टेड आईडीए के अकॉर्डिंग ही बन रहे थे। भी लगभग ये सभी को उम्मीद थी भी इस टाइप की अकाउंटिंग मेंटेन होगी, लेकिन वैसा अब कुछ होगा नहीं। अब 194Q के अंदर जो स्पष्ट गाइडलाइन जो लिखी हुई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें बुक्स की एंट्री करनी है। हम परचेज इनवॉइस की एंट्री किस प्रकार करेंगे, इनवॉइस में हम टीडीएस किस प्रकार डिडक्ट करेंगे, परचेज रिटर्न की कंडीशन में क्या 194Q कंडीशन रहेगी, और एडवांस पेमेंट में 194Q का जो सेक्शन है वो हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली सीखेंगे इनवॉइस के साथ, अच्छी तरीके से हम पूरा एक्सेल के डाटा के साथ हम इसको कंपैरिजन करके देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी टाइप की वीडियो लाते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसी इनवॉइस की। ये इस इनवॉइस को हमें टेली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करनी है, और एंट्री करते वक्त हमें इसका टीडीएस किस प्रकार डिडक्ट करना है, और हम हमारे पास जो इनवॉइस आया है उसका फॉर्मेट क्या होगा, और जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे तब हमें एक्स्ट्रा अलग से क्या कुछ करना पड़ेगा, ये हम सारा इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट है और काफ़ी कुछ जो लेजर्स वगैरह वो भी मैंने पहले से क्रिएट कर दिए हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा भी मैंने किस तरीके से क्रिएट किए। हालांकि इसके ऊपर जो मतलब 194Q टीडीएस से रिलेटेड जो टेली प्राइम में कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग होनी है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। 99% सेम वही प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस है जो हमारा अब जो GST कैलकुलेट होगा वो बेसिक वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, अब GST और SGST उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमें केवल CGST और SGST को ही मतलब नॉट एप्लीकेबल करना है, और बाकी सभी पे जो TDS की एप्लीकेबिलिटी है वो सभी को एप्लीकेबल करना है। फिर भी आपको मैं बताऊंगा भी जो लेजर बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, और क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले TDS का फीचर्स आपको इनेबल करना होगा। तो इसके लिए आप F11 के फीचर्स में आइए, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इस टैक्सेशन में GST और TDS इसको आपको इनेबल करना है, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो 10 नंबर है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 10 नंबर का वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में आपकी जो डिडक्टिव टाइप है वो आपको सेलेक्ट करनी है भी आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की है, तो इंडिविजुअल में रख के, और उसके बाद में यहाँ पर आप इनकी जो पर्सनली डिटेल्स है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, लेकिन मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट करूँगा और इसको भी एक्सेप्ट करूँगा। अब उसके बाद में आपको TDS की जो नेचर ऑफ पेमेंट की जो क्लास है वो आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। अब कैसे तैयार होगी मैं आपको एल्टर में जाके दिखा देता हूँ। TDS नेचर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और आपको यहाँ पर क्रिएट करते वक्त यहाँ पर आपको नाम देना है वी 194Q TDS ऑन परचेज, और उसके बाद में सेक्शन यहाँ पर आपको दे देना है 194Q, पेमेंट कोड रहेगा ओनली 94Q का, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका जो रेट है वो यहाँ पे फिलअप करना है। विविध पेन के साथ 0.1% रहेगा, विदाउट पेन 5% जो TDS डिडक्ट होना है, और इसकी जो DSL एग्जेम्पशन जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब इसका नेचर ऑफ पेमेंट आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट करते वक्त ही आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है फिलअप कर देनी है, और उसके बाद में जो हमेशा हमारे जो बेसिक लेजर बनाते हैं हमारे सप्लायर्स के वो हमने बना के रखे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे सुमित एंड कंपनी का लेजर बनाया है जिसे कि हमने यहाँ पे ये गुड्स है जो परचेज किया है सुमित एंड कंपनी का, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्रेडिटर है, और उसके बाद में इसका जो इस TDS डिडक्टेबल है इसको मैंने यस किया हुआ है, और उसके बाद में ये जो डिडक्टिव टाइप है इसका इंडिविजुअल HUF मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपको उसके पैन नंबर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भी ये इंडिविजुअल है कोई फर्म है कोई कंपनी है कोई लोकल अथॉरिटी है जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में डिडक्ट ए TDS इन सेम वाउचर इस ऑप्शन को आपको यस करना है, इसको यस करना होगा, और यूज एडवांस TDS एंट्रीज इसको एक बार आप जैसे यस करोगे
इसको हम यस करेंगे तो आपको ये जो हमने TDS की जो नेचर ऑफ पेमेंट की क्लास बनाई थी 194Q TDS ऑन परचेज, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और यूज एडवांस एंट्री वक्त सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट, इसको आपको नो रखना है, और इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, इसको आपको एप्लीकेबल रखना है। आप इसको अनडिफाइंड या फिर नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है, ओके करेंगे। और उसके बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना है पैन नंबर कंपलसरी है, तो पैन नंबर आपको देना पड़ेगा, और एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को हम कर देंगे सेव। उसके बाद में हमारा एक परचेज का लेजर है, मैंने GST 18% कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से एक लेजर बना लिया है, अंडर में इसको परचेज अकाउंट रखा हुआ है, और उसके बाद में GST तो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके साथ ही इसका TDS को भी इसको एप्लीकेबल करना है, तो TDS एप्लीकेबल रहेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने नेचर ऑफ स्टार्टिंग में जो क्लास क्रिएट करी थी उसी को ही सिलेक्ट करना है, ओके। और अब जो मेजर जो चेंजिंग हुआ वो ये है, अब हमारे जो टैक्स बनेंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स या फिर IGST टैक्स है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो इस TDS एप्लीकेबल है उसको नॉट एप्लीकेबल करना है, आप इसको अनडिफाइंड नहीं करना या फिर एप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि अब ये जो TDS जो डिडक्ट होना है वो बेसिक वैल्यू पे होना है, इसमें SGST और CGST को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये मतलब सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो हमने CGST और SGST के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है। तो अब हम सिंपल हमारे परचेज इनवॉइस की एंट्री करते हैं, वाउचर पे जाएंगे, परचेज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर परचेज का वाउचर का नंबर हम यहाँ पर देंगे। अब जैसे कि 1 जुलाई का इनवॉइस है तो हम 1 जुलाई इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, परचेज का नंबर हम देंगे 1451 का, सप्लाई नंबर भी सेम वही देंगे, पार्टी अकाउंट नेम में हम सुमित एंड कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आइटम ए हमने क्रिएट करी हुई है, क्वांटिटी यहाँ पर इसकी 5 पीस है, और इसकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू बन गई वो 63,55,932 रुपये और 20 पैसे, तो 63,55,932 रुपये और 20 पैसे, तो ये हमारा GST 18% परचेज का अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आएगा बी TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स, तो अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आए तो आपको यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन तो ये मिल ही जाएगा यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन असेसेबल अमाउंट, इसको यस करना है, और इससे पहले आपको यहाँ पर रहते हुए F12 प्रेस करना है, और उसके बाद में ये जो डिटेल आपके सामने आएगी TDS डिटेल्स मॉडिफाइड टैक्स डिटेल, इसको यस कर देना है, और शो TDS बिल एलोकेशन, इसको भी आप यस कर देना, ये बाद में नो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके करेंगे। अब हमने ये मान के चला है भी हमने इनसे ये फर्स्ट बिलिंग कर रही है और हमें इसकी जो एग्जम्पशन लिमिट है जो 50 लाख की उसको छोड़ना है, तो अगर ये इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो है 63,55,932 रुपये, तो हमें इसमें से 50 लाख को एक बार माइनस में करना है, तो 50 लाख अगर माइनस करेंगे तो इसकी बेसिक वैल्यू बच जाएगी जिस पे TDS डिडक्ट होना है वो 13,55,000, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे 13,55,932 का, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स, अब ये सब कुछ हमने कर दिया, आप देख रहे हो इसकी जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 75,000 रुपये बन चुकी है, और हमारे पास जो इसका इनवॉइस है वो भी 75 लाख रुपये का ही है, सॉरी 75 लाख रुपये है ये। और अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमने एक लेजर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है TDS पेबल ऑन परचेज 194Q। अब इसका हमने ग्रुप क्या सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप इस पर इंटर प्रेस करोगे ना तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका जो TDS है वो 1,356 रुपये ऑटोमेटिक ही माइनस में हो जाएगा, और इसकी जो नेट वैल्यू है वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, अब इसका 74,98,644 रुपये का बैलेंस रह जाएगा इस इनवॉइस का। तो अब आपको यहाँ पर ही अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, अब ये जो वर्ड जो लिखा हुआ है TDS पेबल ऑन परचेज का, ये आपको जो सप्लायर्स का इनवॉइस आएगा आपके पास में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आप कहीं इनवॉइस में ढूंढते फिरो, लेकिन यहाँ पर मैंने कर दिया, ये यहाँ पर आपको जब परचेज एंट्री आप करोगे तब आपको अपने लेवल पर तैयार करना है। परचेज इनवॉइस में ऊपर की जो 3 बातें हैं, स्टॉक आइटम आपके पास होगी, CGST होगा, SGST होगा, या फिर आपके पास कोई डिस्काउंट वगैरह या कोई फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज वो भी हो सकता है, लेकिन TDS पेबल का जो लेजर है इसको हमने बनाया हुआ है अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, इसका ग्रुप का सिलेक्ट किया हमने, और इसका जो ड्यूटी टाइप है वो हमने TDS सेलेक्ट किया, और उसके बाद में जो नेचर ऑफ पेमेंट
क्लास हमने क्रिएट करी थी उसको सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्लासें आपको सेलेक्ट करनी होगी जहां जहां आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा 194 क्यू का, अदरवाइज जो टीडीएस का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं होगा। और इसको हम करेंगे यहां से वाउचर को सेव। आप एक बात ध्यान में रखना, आपका इसको जो डिटेल्स है पार्टी की वो बिल बाई बिल जरूर रखना आपको। तो न्यू रेफरेंस रखेंगे, अब न्यू रेफरेंस के अंदर आपका जो वाउचर नंबर है इनवॉइस नंबर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ना तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे, अब उसके बाद में यहाँ पर ये 1356 रुपये डेबिट का भी आएगा, क्योंकि ये 75 लाख रुपये क्रेडिट तो हो रहा है, तो इसमें हमने 1356 रुपये वापस पार्टी को डेबिट भी तो किया है। अब इसको भी हमने इसी न्यू रेफरेंस में रखते हुए इसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर भी इसका वाउचर नंबर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, भी TDS इनवॉइस नंबर 1451 कर देना है, ताकि आपको बाद में पता लगेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे इनवॉइस 1451 TDS, यानी कि ये 1451 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में TDS है जो डिडक्ट हमने किया है। और इस वाउचर को हम करेंगे सेव, इसको हम करेंगे ओवरराइड, वो दबा देंगे। अब ये तो था हमारे पास परचेज इनवॉइस की एंट्री। अब मान लीजिए हमने इसको परचेज रिटर्न करना है। अब परचेज रिटर्न की कंडीशन में सर्कुलर में क्या रूल लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। भी परचेज रिटर्न का ये जो रूल इन्होंने लिखा हुआ है 4.3.3 जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फर्दर विज रिस्पेक्टेड टू परचेज रिटर्न इज क्लेरिफाइड डेट द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर दस बिफोर परचेज रिटर्न एपन द टैक्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 क्यू एक्ट दैट परचेज इफ द केस अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न द मनी रिफंड्स द सेलर्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया भी अगर आप कोई परचेज इंट्री आपने कर दी, तो परचेज इंट्री कर दी तो इसका मतलब आप साथ के साथ आपने TDS भी डिडक्ट कर लिया, लेकिन बाद में आपने परचेज रिटर्न किया है जो परचेज मतलब इंट्री करने से पहले तो परचेज रिटर्न हो नहीं सकता, परचेज रिटर्न की एंट्री होगी परचेज वाउचर की एंट्री करने के बाद में। तब इन्होंने यहां पर यह बात लिखी हुई है भी अगर आपको जो टैक्स एडजस्ट करना है तो वो आपको टैक्स डिडक्टेड में भी एडजस्ट अगेंस्ट, यहां पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी एडजस्ट इन द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर, यानी कि अब जो आपको रिटर्न किया है और उसके अगेंस्ट में जो TDS आपने एडजस्ट करना है वो आपको जो नेक्स्ट इनवॉइस आएगा पार्टी का सेम सेलर का तो उसके अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट करना है। अब उसकी एंट्री हम करके देखेंगे। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, जैसा कि अभी जो हमने एंट्री करी थी इस 1451 नंबर इनवॉइस की करी थी, 5 क्वांटिटी करी थी और उसके बाद में हमने क्या किया 31 जुलाई के अंदर परचेज रिटर्न कर दी 1 क्वांटिटी की, ओके। और उसके बाद में 31 तारीख में ही हमने एक इनवॉइस है जो और परचेज कर लिया, तो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो परचेज रिटर्न के लिए हम Alt+F5 का यूज़ करेंगे और ये डेबिट नोट हमारे सामने आ गया और हम सुमित एंड कंपनी पार्टी को सिलेक्ट यहाँ पर करेंगे। स्टॉक आइटम हमारे पास आइटम A बनी हुई है, 1 क्वांटिटी हमने वापस करी है और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ गया है। और अब हमें यहाँ पर एक परचेज रिटर्न का अलग से लेजर क्रिएट करना है। अलग से क्यों लेजर क्रिएट करना है ये हम आपको जब लेजर क्रिएट करेंगे तब बताएंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पे GST 18% परचेज रिटर्न, अंडर में ये परचेज काउंट रहेगा, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, टाइप ऑफ सप्लाई को यहाँ पर इसको गुड्स करेंगे और इज TDS एप्लीकेबल। अब यहाँ पर इस जो रिटर्न का है इसको हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, परचेज रिटर्न के ऊपर हमें TDS है जो एप्लीकेबल नहीं करना है ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज जो हमारी 26Q की जो रिटर्न है वहाँ पर आपको एरर शो करेगा, क्योंकि हमें परचेज रिटर्न के अंदर कोई भी जो मतलब 194Q का जो TDS है उसको कोई एडजस्ट नहीं करना है, ओके। इसको सिंपल हम जैसे हमेशा की तरह डेबिट नोट बनाते आ रहे हैं उसी को ही हम फॉलो करेंगे। तो ये हमने 15 लाख रुपए का यानी कि 1 क्वांटिटी हमने करी है तो इसको हमने वापस रिटर्न कर दिया। और ये अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा तो अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि जो हमारे पास अभी तक जो फर्स्ट इनवॉइस था 1451 का तो उसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं भी इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने इतनी पेमेंट इनको कम देनी है। तो ये हमें एक ईवे बिल के लिए एक वार्निंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब बात आती है, अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इनवॉइस है सेम पार्टी का तो इसकी एंट्री अब हमें करनी है 31 जुलाई को।
तो इसकी एंट्री करने के लिए सेम वाउचर में हम जाएंगे, परचेज में जाएंगे और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। 1456 नंबर इनवॉइस है, 31 तारीख डेट है, 1456 सप्लायर इनवॉइस नंबर में डाल देंगे। सुमित एंड कंपनी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम सेम वही आइटम रहेगी। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 है और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू 50,84,745 रुपये और 76 पैसे बन गई। अब यहाँ पर इसको परचेज रिटर्न में डालना। अब जो हमारा परचेज का जो लेजर है उसमें इसको करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स की। तो अब हमें यहाँ पर जो असेसेबल वैल्यू जो डालनी है वो कौन सी डालनी होगी। अब हमने इस ये जो परचेज रिटर्न करी थी इसका जो परचेज रिटर्न का जो टैक्सेबल अमाउंट बनी थी वो 12,71,000 बनी थी और अब ये जो हमारे पास इनवॉइस आया इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू बनी है ये। तो अब हमें इस टैक्सेबल इनवॉइस में से जो हमने परचेज रिटर्न कर दिया वो माइनस करनी है और माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू बचेगी वो 38,13,559 रुपये और 32 पैसे बनेगी। ठीक है, तो हमें अब ये जो वैल्यू वहाँ पर डालनी है, अब ये वैल्यू डालनी है, न कि ये वैल्यू एडजस्ट करनी है, क्योंकि परचेज रिटर्न पार्टी का जो नेक्स्ट परचेज इनवॉइस आएगा उसी के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। तो हम ये अभी जो वैल्यू डालेंगे वो 38,13,559 रुपये, तो 38,13,559 रुपये और 32 पैसा। ओके, उसके बाद हम CGST, SGST टैक्स और उसके बाद में जो हमारा TDS का जो लेजर बना हुआ है TDS पेबल ऑन परचेज का, तो अब यहाँ पर देख रहे हो जैसे लेजर हमने सेलेक्ट किया है इसका 3814 रुपये TDS ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जो हमने वैल्यू यहाँ पर डाली थी। अब यहाँ पर भी इसका भी 3813 रुपये 56 पैसे, तो वहाँ पे राउंड ऑफ में के अंदर 3814 रुपये पूरे कंप्लीट कर लिए। इसको नो करेंगे और अब न्यू रेफरेंस के अंदर भी 1456 नंबर इनवॉइस रहेगा। अब न्यू रेफरेंस फिर आएगा जो इसका TDS है, तो अब यहाँ पर भी हम सेम वही दे देंगे इनवॉइस नंबर 1456 TDS ताकि हमें पता लगे और इस वाउचर को भी हम ओवरराइड यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने दो वाउचर परचेज के करे हैं, एक परचेज रिटर्न की एंट्री करी है। तो इसके रिटर्न करने के बाद हम एक बार हमारी 26Q रिटर्न को देखेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट्स पर जाएंगे और TDS रिपोर्ट पर जाएंगे और 26Q को देखेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है और ये जो TDS है हमारा वो 5170 रुपये अभी तक हमने डिडक्ट किया है। किस पे किया है इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी और ये सुमित एंड कंपनी, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी इनवॉइस की डिटेल भी आ जाएगी भी आपने कितनी अमाउंट को क्रेडिट किया है। ये हमारा 1451 नंबर फर्स्ट इनवॉइस था और ये 1456 हमारा सेकेंड इनवॉइस है, यानी कि इनकी बेसिक वैल्यू है ये जिनके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 26Q के रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर हमें किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करनी हो तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, आपको अगर आप ऐसे मतलब नेचर की तरफ पेमेंट आप कर रहे हो 194Q जिस पे TDS एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मोड जो चेंज करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। चेंज मोड पे जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, डबल मोड एंट्री और सिंगल मोड एंट्री। तो आपको यहाँ पे इसका जो मोड है वो सिंगल मोड एंट्री सेलेक्ट करना है अगर आपने TDS डिडक्ट करना है सेम वाउचर पर। तो ये वैसे भी सिंगल मोड पे ही है, तो हम यहाँ पर वाउचर का नंबर डाल देंगे, चेक नंबर हम डाल देंगे। अब इसके बाद में हम स्टेट बैंक ऑफ SBI को डालेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी कंपनी है, हमारी राम एंड कंपनी है, हमने राम एंड कंपनी का एक लेजर बनाया हुआ है, अंडर में सैलरी क्रेडिटर है और ये सारी TDS को डिडक्टेबल रखते हुए इसको हमने सेव किया हुआ है। अब मान लीजिए इस पार्टी को हमने 70 लाख रुपये की पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर 70 लाख रुपये यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और उसके बाद में हम इसको एडवांस में डाल देंगे। ओके, जैसे हम एडवांस में डालेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा। अब मान लीजिए अब ये पार्टी है, हो सकता है आपने इस पार्टी के साथ फर्स्ट टाइम आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 50 लाख रुपये पहले माइनस करने पड़ेंगे 70 लाख में से, यानी कि अब जो TDS आपका डिडक्ट होना चाहिए वो 20 लाख रुपये की अमाउंट पे होना चाहिए। अगर अब हम यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करते हैं TDS पेबल ऑन परचेज वाला, तो अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करेंगे तो असेसेबल वैल्यू जो आपकी है वो अब यहाँ पर आपको 70 लाख रुपये की आ रही है, यहाँ पर आपको 20 लाख रुपये करना है 50 लाख रुपये को माइनस करते हुए और नॉट एप्लीकेबल
तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसका जो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो 2000 रुपये हो गया, जो इनकी जो दियर सोल्ड जो लिमिट है 50 लाख रुपए को छोड़ के उसके ऊपर 20 लाख रुपए के ऊपर, तो इसका जो फाइनल जो अमाउंट बनेगा वो 69,98,000 रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी। वाउचर को हम सेव करेंगे, ओवरराइड इसको भी करना पड़ेगा। अब हम एक बार फिर वापस 26Q की रिटर्न को देखेंगे। अब आप डायरेक्टली यहाँ से गो टू पे शॉर्टकट पे भी जा सकते हो। गो टू पे आप जाओगे तो आपको टीडीएस रिपोर्ट पे जाओगे, टीडीएस रिपोर्ट पे जाने के बाद आप 26Q को रिटर्न ओपन कर लोगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो 7170 रुपये का टीडीएस है जो आपको डिडक्ट हो आपने कर लिया है। यहाँ पर आपको पार्टीज के नाम भी यहाँ पर शो होंगे और उनकी जो असेसेबल वैल्यू है कौन सी अमाउंट पे कितना डिडक्ट किया है वो भी आपको सारा शो होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट पे जाएं डायरेक्ट, तो गो टू पे आप चले जाओ और गो टू पे जाने के बाद आप बैलेंस शीट पे चले जाओ और हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो जो हमने टीडीएस पेबल का जो लेजर बनाया हुआ था उसका क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 7170 रुपये का, यानी कि अब हमें 7170 रुपये जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बन चुकी है जो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपकी भी कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेरी का रिप्लाई देने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।